शर्मा हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। जरा कानपुर के समीकरण को समझ लेते हैं कि कानपुर की जो स्थानीय उनका आकलन रहा है, राम जी आपका, रमेश अवस्थी को इस बार टिकट दिया गया है। वर्तमान सांसद का टिकट काटने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव किया है, ऐसे में जो कानपुर की जनता है वो इस बदलाव को किस तरह से ले रही है, क्योंकि जो पचौरी सांसद रहे हैं यहाँ से, उनको लेकर यहाँ पर एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी कहीं ना कहीं हावी हो रहा था, और अब जो बदलाव हुआ है जनता ने किस तरह से लिया है इस बदलाव को? लोगों में नाराजगी थी, लोगों में ये था कि बाहर लगता था कि यहाँ लाया गया, लेकिन धीरे धीरे गृह मंत्री अमित शाह कानपुर आते हैं, बैठक करते हैं, जो नाराज बनते हैं बीजेपी के लोग, चाहे वो कार्यकारिणी समिति सदस्य को प्रकाश शर्मा ने पत्र भी लिखा था, तो उन सभी चीजों को लेकर के जब ये जो माहौल था वो कहीं ना कहीं रमेश अवस्थी के अगेंस्ट जा रहा था, ऐसे में अमित शाह कानपुर आते हैं, बैठक करते लोगों को, पार्टी के जो शीर्ष नेता थे या जो लोकल नेता उन सबसे मनाया, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री वो कानपुर में रोड शो करते, तो ऐसे में कहीं ना माहौल था जब पत्र बनाए थे, कहीं ना कहीं कानपुर इंडिया के प्रत्याशी आलोक मित्रा वो भी काटे चक्कर में थे, वो भी लगातार प्रयास करते, राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने कानपुर में जनसभा की थी, तो कई साढ़े चक्कर देखी जा रही थी, तो ऐसे में माना जाए कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है जो नया चेहरा बीजेपी कानपुर है उसका फायदा आलोक मित्रा को मिल सकता है, लेकिन जिस तरह का माहौल बाद में बना उसको बिल्कुल कहीं ना माना जा रहा है कि रमेश अवस्थी को इसका फायदा मिलेगा, जो बाद के जो लोग थे जुड़े हैं, जो पांचों विधानसभा जो कानपुर नगर में आती है वो सब पांच विधानसभा जो विधायक थे वो सब लगे जोर शोर से लगे, तो जनता के बीच जब लोग गए तो कहीं ना कहीं साफ सामने आ रहा है कि रमेश अवस्थी का फायदा मिलेगा, जो जीत तंत्राल है जिससे पहले जब पटोरी चुनाव जीता तो 1 लाख वोट तंत्राल था, तो जब वोट तंत्राल तो नहीं होगा, लेकिन यह माना कि कांटे टक्कर जीत 10-20 हजार वोटों की होगी, कहीं ना रमेश अवस्थी को फायदा मिलेगा और वो चुनाव जीत सकते हैं जी। चलिए ठीक है राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।